फाइनली हम लोग तरकटगढ़ वाटरफॉल तक आ चुके हैं। यहाँ पर इस तरह से एक छोटा सा हट है, यहाँ से आपको टिकट लेना पड़ेगा। दोस्तों फाइनली हम लोग करकटगढ़ वाटरफॉल तक आ चुके हैं। मेरे पीछे यह इसका गेट है जिस पर लिखा है करकटगढ़, और इस गेट से आप प्रवेश करेंगे तो झरना आपको मिलेगा। काफ़ी मुश्किल रास्ते से हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। मेरे पीछे यह जो रास्ता है, यह रास्ता जंगलों से होता हुआ आपको यहाँ तक लेकर आएगा। आप देखे हैं कि कितने टेढ़े मेढ़े रास्ते थे, और पथरीले रास्तों को पार करके जंगल झाड़ियों के रास्ते से गुजरते हुए तब आप यहाँ पर इस जगह पर आएंगे। यह कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत आने वाला जगह है, और चारों तरफ का दृश्य देखिए, घनघोर जंगल और पहाड़ से घिरा हुआ यह जगह है कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो बिहार के कैमूर ज़िले में स्थित है। वाराणसी से लगभग 100-120 किलोमीटर के आसपास की दूरी में यह जो कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, घूमने फिरने की दृष्टि से, पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी अच्छी जगह है। अगर आपको नेचुरल प्लेस पसंद है, एडवेंचरस प्लेस पसंद है, तो यहाँ पर आप आ सकते हैं। अभी हम आपको लेकर चल रहे हैं वाटरफॉल के समीप, और यहाँ के जो भी चीज़ें हैं उसको दिखाते हैं। इस गेट के अंदर छोटा सा एक पार्क भी है, और क्या क्या चीज़ें हैं हम अभी आपको दिखाएंगे, तो वीडियो पर बने रहिए। तो इस तरह से कई लोग यहाँ पर आते जाते रहते हैं, तो यहाँ के क्षेत्रीय लोग भी आते हैं। और यहाँ भी देखिए, एक पीछे बोलेरो भी खड़ी है, तो बिहार का नंबर है। तो स्थानीय लोग ज़्यादा यहाँ पर आते हैं, क्योंकि यह छुपा हुआ जगह है। दोस्तों अगर आप चैनल भारत भूमि ब्लॉग को पहली बार देख रहे हैं, पहली बार विजिट किए हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। चलिए चलते हैं और दिखाते हैं, यह काफ़ी अच्छी जगह है। लोहे की ग्रिल लगा के बाउंड्री किया गया है, और यहाँ पर एक गेट बनाया गया है। यहाँ जो गेट है, करकटगढ़ यहाँ लिखा हुआ है, और ऊपर मगरमच्छ का लोहे का बनाया गया डिज़ाइन है। गेट से अंदर आने के बाद यहाँ पर इस तरह से एक छोटा सा हट है, यहाँ से आपको टिकट लेना पड़ेगा। 5 रुपये प्रति व्यक्ति के दर से टिकट यहाँ पर लेना होता है। बाएं साइड में इस तरह से छोटा सा पार्क है बच्चों के खेलने कूदने के लिए। बिहार सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग श्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के द्वारा यह जगह को डेवलप किया गया है। यहाँ पर वाटर प्योरीफायर भी लगा है, जो कि वर्किंग कंडीशन में नहीं है, केवल लग चुका है, पानी निकल रहा है। यहाँ पर वाटर प्योरीफायर केवल नाम मात्र का है, जो वर्किंग कंडीशन नहीं है, केवल लग गया है, और यहाँ पर पानी केवल टंकी में स्टोर करके पीने के लिए रखा गया है। यहाँ पर बच्चों के लिए आप देख रहे हैं ये झूला है, काफ़ी अच्छा है, और अभी नया नया बना हुआ है, तो काफ़ी सुंदर है, और देखने से ऐसा लगता है कि यहाँ पर लोग आते जाते हैं। और लेकिन अभी सारी चीज़ें सुरक्षित हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है देखकर। लोग ट्रेन का सफर कर रहे हैं, पड़ गया, इसको सही करना चाहिए, गिर जाएगा। तो ये चारों तरफ इस तरह से कई सारे झूले लगे हैं, स्लाइडिंग है। पहले क्या था कि दो लोग बैठते थे तब चलता था, अभी अकेले भी कोई झूल सकता है। तो ये इस तरह से बहुत अच्छी जगह है, और यहाँ पर पावर के लिए सोलर पैनल लगाया गया है। तो लाइट वगैरह भी तो रहती है, लेकिन कहीं लाइट दिख नहीं रहा है, केवल वहाँ पर लगा हुआ है गेट के पास। और बहुत ज़्यादा लोग नहीं आते हैं, देखने से ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लोग नहीं आते हैं। हालांकि बिहार सरकार के द्वारा काफ़ी अच्छा व्यवस्था किया गया है, यहाँ पर लोगों को आना चाहिए। और लेकिन ये हिडन प्लेस है, छुपा हुआ जगह है, यहाँ पर बहुत कम लोगों को इसके बारे में जानकारी है, इसीलिए लोग आते नहीं हैं। जबकि ये कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर ये जो करकटगढ़ क्षेत्र है, काफ़ी अच्छा है ये, यहाँ पर बैठ कर झूलने वाला है, प्रबल झूल रहा है।
यहाँ पे एक बंदर बनाया गया है, जिसे लग रहा है कि सही में बंदर है, पत्थर का बंदर लंगूर है। मेन जो गेट है इधर है करकटगढ़ का, और इस तरफ बहुत बड़ा सा ये पूरा पार्क है, और बहुत झाड़ियाँ उग चुकी हैं। मैं अपने वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ साफ़ सफाई करवाना चाहिए, समय समय पर इसका जो है प्रबंधन करवा के और इसको अच्छा करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी झाड़ियाँ उग चुकी हैं। हालांकि देखने से लग रहा है कि यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं आते हैं, लेकिन जो भी हो सरकार ने ये सारा चीज़ बनवाया हुआ है, काफ़ी अच्छा है। और ये मेन गेट इधर है, यहाँ से जब आप प्रवेश करेंगे तो इस तरफ पार्क जो अभी मैंने आपको दिखाया, और इस तरफ चारों तरफ ये बाउंड्री की गई है। इधर पहाड़ियाँ हैं, झरना है, और ये पूरे रास्ते बनाए गए हैं आगे तक जाने के लिए। डाइनिंग टेबल है। हालांकि काफ़ी अच्छा कोशिश किया गया है सरकार के द्वारा इस जगह को डेकोरेट करने के लिए, और एक सुंदर सा प्लेस इसको बनाया गया है घूमने फिरने के लिए, सुरक्षित जगह बनाया गया है। आप यहाँ पे पिकनिक के लिए आ सकते हैं। चारों तरफ देखिए सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ हैं, एक के बाद दूसरी पहाड़ी, और काफ़ी घना जंगल है।